कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहां नहीं पहनकर जाना चाहिए, पांच स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान है? पांच। और रुद्राक्ष को पांच स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। पांच जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया, महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल का, रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त करने, तब